गाइज एक चीज आपने जरूर से सुनी होगी कि जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से हल्की होती है और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे गिरती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने एक हॉट एयर बलून बनाया था और वो बलून बहुत दूर उड़ के चला गया था गर्म हवा के दम पर। और आपको पता है कि बड़े बड़े बलून होते हैं जो कि इवन इंसानों को भी उड़ा देते हैं, लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं एक हॉट एयर सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, बलून नहीं बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे काफी लंबा, इसके अंदर भरेंगे गर्म हवा और फिर देखते हैं कि क्या वो उड़ पाएगा या फिर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन अगर उड़ा तो बहुत ही मजेदार बात होगी। और आप लोग इस कमाल के वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों हॉट एयर सिलेंडर बनाने के लिए हमको हवा को एक जगह बंद करके रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको एक ऐसी चीज चाहिए जो कि बहुत ही लाइट वेट हो लेकिन हवा को रोक के भी रख सके। तो या तो एक कपड़ा बढ़िया रहेगा या फिर इस तरीके का तिरपाल बढ़िया रहेगा। ये जो तिरपाल है एक पन्नी से बनता है और ये जो है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये जो है 10 मीटर यानी कि 33 फीट का जो है तिरपाल है, लेकिन इसका जो वजन है वो सिर्फ 1100 ग्राम है। आप लोग सोचो कितना लाइट वेट है और इसकी जो लंबाई है वो काफी ज्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ो इसको जरा। और हमारा जो सिलेंडर है, जो हॉट एयर सिलेंडर है, वो भी काफी बड़ा बनने वाला है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देखो कि कितनी बड़ी यहाँ पर पन्नी। और एक चीज आपको बताऊं मैं, देखो ये जो पन्नी है इसमें बहुत बढ़िया बात ये है कि ये सिंगल लेयर नहीं है, ये एक्चुअली में दोस्तों डबल लेयर है। इसके अंदर जो वैक्यूम है इसलिए हम इसको दिखा नहीं पा रहे, ये डबल लेयर है। और इससे हमको फायदा ये मिलेगा कि कहीं कुछ चिपकाना नहीं है, सिर्फ एक एंड पे गांठ बांधना है और दूसरे वाले एंड पे एक रिंग लगानी है, रिंग देना। तो ये जो रिंग है इसको लगा देंगे इसके दूसरे एंड पर और फिर इस पे थोड़ी सी आग लगानी पड़ेगी, साथ साथ में बहुत सारी गर्म हवा भरनी पड़ेगी। तो फटाक से सारा प्रोसेस करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने एक पूरा रिंग लगा करके उसमें दो वायर्स बांध दिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक जलने वाला कपड़ा लगा सकते हैं उसको डीजल में डुबो करके। और आप लोग देखिए ये कितना लंबा जो है बलून तैयार हो गया, दूसरे एंड को बांधना पड़ेगा। अब दोस्तों एवरीथिंग इज सेट, अब बारी है इसके अंदर गर्म हवा भरने की। तो इस तरीके के नोजल का यूज करेंगे, इससे वैसे तो हम भट्टी में हवा भरते हैं, लगाना इस पे आग। तो भाई इसको मैं डाल रहा हूं अब इसमें ताकि इसमें गर्म हवा भरना शुरू हो और पन्नी जलनी नहीं चाहिए। थोड़ा खोल के रखो इसको नीचे से। तो भाई यहां पर जो गर्म हवा है वो बलून में भर रही है। तो भाई अब जो बलून है वो काफी हद तक फिल हो चुका है, एक बार जरा साइड से दिखा दो। देखो जो पूरा बलून है वो टाइट हो रखा है एकदम गर्म हवा इसमें भर रखी है, लेकिन अभी इसको छोड़ नहीं सकते, ये उठने लग जाएगा अपने आप। उठा ऊपर, छोड़ रखा है मैंने। छोड़ दे छोड़ रखा है बिल्कुल, ऊपर गया क्या? हाँ। तो गाइस ये ऊपर जा रहा है, मेरे को दिख भी रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अरे ओए ऊपर उठ गया ओए पकड़ के रखना ध्यान से भाई, यहाँ पर जो है गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। राहुल छोड़ 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 राहुल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे यो ओए ओए ओए, जोड़ा करो जल्दी इसको, जल्दी ध्यान से इसको इसको पकड़ ले करता है, इसको पकड़ टच मत कर देना, गिर रहे हो। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा क्या बोले इसको सिलेंडर है वो आप लोग देखो कि पूरा हवा में आ रखा है। एक बार दिखाना यार, पूरा पीछे से दिखा दो एक बार जरा। अरे यार, तो भाई अब इसमें थोड़ी सी गर्म हवा और भरेगी और ये जो है टेक ऑफ कर जाएगा मेरे हिसाब से। क्या बात है यार, मजा आ गया यार। गाइस यहाँ पर जो है मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बहुत कम संभावना थी इसके जो है सक्सेस होने की, लेकिन अब ये भले ही उड़े चाहे ना उड़े, आप लोग देखो कि कैसे खड़ा हुआ है, पूरा 33 फीट लंबा। ओए कम रख भाई कम रख। तो भाई यहां पर अब हमारा जो एयर सिलेंडर है वो छोड़ने के लिए लगभग तैयार है, पीछे से दिखाओ जरा। और यार यार पूरा ऊपर देखो कैसे हो रखा है,
यार मजा आ गया गाइस, इतना वजन जो है वो इसने गर्म हवा के दम पे उठा रखा है। तो अब हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, 3, 2, 1 छोड़ दो। वो अरे उड़ गया। अरे वाह भाई वाह गाइस, अबे वो जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बलून को लेने, और भाई जल्दी जल्दी में हेलमेट नहीं लगाया। ओहो, तो गाइस यहाँ पर जो बलून है, अबे यार बहुत धुआं है इसमें, हम नहीं भरी है वैसे। ये जो बलून है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो भाई ये जो बलून है आप देख सकते हो कि यहाँ पर के आकर के गिरा है, और जैसा हमने शुरू में बात करी थी कि जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, इसी वजह से जब हमने इसमें गर्म हवा भरी तो बलून चला गया ऊपर, आप लोगों ने देखा। और एक बात आपको सच्ची बताऊं कि मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये जो है इतना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यार बलून की शेप गोल होती है, ना कि ऐसे सिलेंडर जैसी या गिलास जैसी या बेलन जैसी। लेकिन फिर भी हमारा काम है नई नई चीज़ें आपको करके ट्राई करके दिखाना, और यहाँ पर जब सक्सेस होता है तो आता है मज़ा। और गाइज हम लोग वीडियो शूट करके जाने वाले थे, लेकिन अभी प्लान बना कि अब जो है शाम का मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया, रात होने वाली है, तो एक काम करते हैं। दिन का सीन तो इतना अच्छा आ गया, बलून उड़ भी गया लंबा वाला सिलेंडर, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ये थोड़ा सा सेक्शन काट देंगे, देखो यहाँ पर कुछ होल्स हो गए, और अब इसको रात में उड़ाएंगे और देखते हैं कि रात में कैसा नज़ारा दिखता है। कुछ ना कुछ तो मज़ा ज़रूर से आएगा, अपना क्या जा रहा है भाई, मज़ा तो आ ही रहा है। तो भाई यहाँ पर हमने फिर से इसमें गर्म हवा भर दी और जो बलून है वो फिर से खड़ा हो गया काफ़ी ऊपर तक, और इस बार जो है देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा और हवा भरते हैं फिर इसको भी छोड़ेंगे, और रात के माहौल में ये क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है, और ऊपर जाएगा तो और भी गजब दिखेगा। तो भाई अब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है गर्म हवा, और अब है इसको छोड़ने की बारी। तुम लोग छोड़ दो, मैं छोड़ना था। अरे यार ये काफ़ी प्रेशर लगाता है भाई, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये लो ये जाने दो। और लंबा जो बलून है वो सीधा ऊपर जा रहा है इस बार, सीधा एकदम स्ट्रेट। अबे यार बिल्कुल सीधा। तो भाई हमारा जो हॉट एयर सिलेंडर है वो दूसरी बार भी बहुत मस्त तरीके से उड़ के चला गया। इस बार हमने उसको टाटा बाय बाय कह दिया, जहां जाता है जाने दो, बस ये जरूरी है कि वो ऊपर चला जाए और उसमें जो कपड़ा लगा है वो बुझ जाए नीचे गिरने से पहले, जो कि इजीली हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने दिन के आउटरो पे। तो अगर आपको भी आया मजा तो नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यार यहाँ बहुत तेज आवाज आ रही है, खट 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 खट, बहुत तेज आवाज आ रही है। कोई नहीं, मजा आ गया, बलून तो यहीं गिरा है, चलो इकट्ठा कर लो।